click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं सप्लाई ही टॉपिक को, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को यहाँ पर देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में पार्ट वन में हमने सप्लाई यानी कि यूनिट थर्ड है, जो चैप्टर नंबर सेकेंड है उसकी, उस पर हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस किया था। कुछ 10-11 क्वेश्चन हमने वहाँ पर देखे हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो ये क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs जिन्हें हम कहते हैं। उसमें हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे, समझेंगे, रिवाइज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पार्ट सेकंड, जिसका नाम है MCQ ऑन आर चैप्टर सप्लाई पार्ट टू। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका चैप्टर नहीं, आपका पूरा सब्जेक्ट है, BCK के साथ में हम इसको पूरा सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर सेकंड में हम एंटर कर चुके हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड दैट टू उसमें यूनिट थर्ड है लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स इलास्टिसिटी। ये आपका पार्ट सेकंड वीडियो है। टोटल हमने 11 क्वेश्चंस पुराने वीडियो में हम देख चुके हैं। अभी हम यहाँ पर चालू करेंगे, देखेंगे 12th क्वेश्चन से। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखेगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्यों, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैंने उसकी नंबरिंग ऐसे रखी है। सो क्वेश्चन बोल रहा है इन द बुक मार्केट, बुक मार्केट मतलब किताबों के मार्केट में जहाँ पर किताबें बिकती है, द सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एक्सेप्ट। इनका क्या कहना है कि अगर कोई बुक मार्केट है, ठीक है, ये हमारी बुक है, ठीक है, द सप्लाई ऑफ बुक्स, बुक्स की जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर ये क्वेश्चन बोल रहा है सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज, सप्लाई हमारी डिक्रीज होगी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एक्सेप्ट। यानी कि हमें यहाँ पर एक्सेप्ट वाले पॉइंट पर ध्यान देना है। हमसे क्या पूछा है कि सप्लाई डिक्रीज होगी, उसके इतने सारे रीजंस हैं, 4, उनमें से कौन सा रीज़न नहीं है आप हमें वो बताइए, ठीक है। तो जो रीज़न नहीं है डिक्रीज होने के लिए उसको हम यहाँ पर पकड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक्स पब्लिशर्स। तो इनका कहना है कि अगर पब्लिशर्स ही कम हो गए तो हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, प्राइस बुक की खुद की प्राइस कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, इंटरेस्टिंग। एंड इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द बुक, इनका कहना है कि फ्यूचर में प्राइस इसकी बढ़ने वाली है तो सारे सप्लायर्स आज इसको नहीं बनाएंगे, वो फ्यूचर में इसको ज़्यादा सप्लाई करेंगे, बराबर है, तो आज उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर यूज्ड, ओके, पेपर यानी कि थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर इन्होंने फोकस किया है कि वो बुक बनने के लिए पेपर काम में आता है, पेपर की अगर कॉस्ट कम हो जाएगी या फिर उसकी पेपर की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से मेरी सप्लाई कम हो जाएगी। ओके सर, लॉजिकली आपने एक एक पॉइंट को जब इंटरप्रेट किया है तो हमको सब सही लगे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी सर? अब प्रॉब्लम इसमें आएगी बच्चों कि जिनको ये याद नहीं आया है कि यहाँ पर डिक्रीज बोला गया है, डिक्रीज के साथ में इंक्रीज को ऐड किया जाता है और दो अलग टर्म्स है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने वाली, बराबर है। तो डिक्रीज और इंक्रीज कब होता है, जब भी डिक्रीज इंक्रीज आए ना, सबसे पहले आपको माइंड में क्या लाना है, डिक्रीज इंक्रीज इक्वल्स टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, बराबर है, वो कॉन्स्टेंट अब नहीं रहे तो हम प्राइस की बात नहीं करेंगे। हम प्राइस की बात कब करेंगे, हम प्राइस की बात करेंगे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि जब हम इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं तो हम प्राइस की बात नहीं करते हैं, ओके। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि आप वो वाला आंसर बताइए जो यहाँ पर डिक्रीज के लिए सही नहीं है, बराबर, एक्सेप्ट बोला गया ना, हमको एक्सेप्ट बताना है हमको, ठीक है। तो सर यहाँ पर अदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब सही होंगे, तो सर पब्लिशर का कम होना, लॉजिकली भी देख लो ना, पब्लिशर का कम होना क्या इससे सप्लाई हमारी कम होगी, बिल्कुल कम होगी ना, बनाने वाले कम हैं, तो सर ये पॉइंट हमें सही लग रहा है। सी को पढ़ते हैं, सर अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है प्राइस बढ़ने की तो आज वो सप्लाई नहीं करेंगे, फ्यूचर में करेंगे तो सप्लाई डिक्रीज हो रही है, और ये भी हमने COP वाला पॉइंट देख लिया है, तो ये भी पेपर अदर फैक्टर्स में आता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस भी अदर फैक्टर्स में आती है और पब्लिशर्स भी अदर फैक्टर्स में आते हैं। अदर फैक्टर्स में क्या नहीं आता है, प्राइस नहीं आता है, तो क्या मैंने आपको बोला है प्राइस कभी भी डिक्रीज और इंक्रीज के लिए नहीं हो सकता है, बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर एक्सेप्ट में हमारा आंसर बी हो जाएगा बच्चों, यस,
हमारा आंसर बी होना चाहिए, यस यही ब्लिंक हुआ है। क्यों? प्राइस कभी भी डिक्रीज और इंक्रीज से रिलेटेड नहीं रहेगा, डिक्रीज और इंक्रीज के लिए आपको हमेशा अदर फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेस बाय 10% एंड सप्लाई इंक्रीजेस बाय 25%, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, सिंपल बोला गया है, इसको हम फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए फॉर्मूला सर हमारा होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन माय प्राइस। ठीक है सर, क्या हुआ है सर? प्राइस चेंज हुआ है कितने से? प्राइस चेंज हुआ सर 10% से। मेरी सप्लाई सर चेंज हो गई 25% से। हुआ क्या था? प्राइस इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव रिएक्शन सप्लाई में भी यही आना चाहिए 25% का, तो 2.5 हो गया मेरा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बराबर है विच इज़ मोर देन 1। यस 2.5 इज़ मोर देन 1। जब मोर देन 1 होता है तो मतलब मैं रिलेटिवली इलास्टिक हूँ, बराबर है। सो रिलेटिवली इलास्टिक में लिख देता हूँ, हमने इंटरप्रेट भी इसको कर दिया है, बराबर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हमको समझ में आ गई। हमसे पूछा भी यही है कि जब ऐसा सिनेरियो होता है तो आप बताइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या रहेगी। चलिए हमने आंसर तो निकाल लिया, देख लेते हैं कि आंसर क्या क्या है। 2.5, 0.4, -2.5, -0.04, आपको क्या लगता है? अगर यहाँ पर 2.5 तो पॉजिटिव ही जा रहा है ना, बिल्कुल कोई माइनस वाली तो बात यहाँ पर आ नहीं रही है, क्योंकि जब हम चेंज निकालते हैं तो चेंज के टाइम पे माइनस प्लस होता है, हमें डायरेक्टली परसेंटेज यहाँ पर दे रखा है। सो लेट्स सी हमारा यहाँ पर आंसर क्या ब्लिंक हो रहा है। यस 2.5, तो एक क्लियर कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर ली है, 25% डिवाइडेड बाय 10%, तो 2.5 की हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गई है। क्वेश्चन नंबर 13 था, थोड़ा सॉल्व करने वाला था बट ईजी था, इंटरप्रिटेशन आपसे नहीं पूछा गया, आपसे आंसर पूछा गया। हो सकता है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, ये क्या लिख देते हैं, इलास्टिक इनइलास्टिक ऐसा कुछ डाल देते हैं, परफेक्टली इलास्टिक रिलेटिवली इलास्टिक, तो आपको क्या लिखना पड़ता, तो आपका आंसर होता ये। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए बच्चों, इंटरप्रिटेशन मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर, आपका रिवीजन पूरा होना चाहिए इसी क्वेश्चन के बेसिस पर। अगर दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए और आपने ये पार्ट अगर ध्यान से सुना होगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट ऑल्सो। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ बाइक्स विल इंक्रीज द, इनका कहना है कि अगर हमने सेलर्स बढ़ा दिए बाइक्स के तो क्या इंक्रीज होगा। सप्लाई की बात कर रहे हैं, सप्लाई होना चाहिए सर क्वेश्चन में, हमको यहाँ पता चल रहा है सप्लाई आंसर है। क्यों? क्योंकि हम सप्लाई चैप्टर के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, प्राइस ऑफ द बाइक, डिमांड फॉर बाइक, सप्लाई ऑफ बाइक, डिमांड फॉर हेलमेट्स। चलिए लॉजिकली बात करेंगे, बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है। मेरा कहना है कि एक पर्सन बाइक्स बेच रहा है और इतने लोग मार्केट में हैं बाइक्स बेचने वाले, टोटल 5, ठीक है। अगर ये 5 से 7 लोग हो जाते हैं, बेचने वाले की बात चल रही है, बराबर है, तो यहाँ डिमांड की तो बात आती ही नहीं है। तो बेचने वाले लोग अगर इंक्रीज हो गए तो ऑटोमेटिकली मेरा +2 से सेलर्स बढ़ गए, तो मेरा यहाँ पर जो सप्लाई है वो भी तो इंक्रीज होगा, बराबर है। हाँ, सप्लाई जब मेरा इंक्रीज होगा तो उसके साथ में मैं कभी बैकवर्ड्स ऐसा कैलकुलेट नहीं करूँगा कि मेरा प्राइस भी इंक्रीज होगा। आपको आई बात समझ में? सप्लाई इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से मेरा प्राइस भी इंक्रीज होगा, ये रिलेशनशिप कभी भी नहीं होती है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगा, मींस हमारा जो बेस है वो प्राइस है, हमारा जो बेस है वो क्वांटिटी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्लियरली हम डिमांड को क्रॉस करेंगे, डिमांड को क्रॉस करेंगे, सप्लाई की हम बात करेंगे, यस हमारा आंसर सी ही होना चाहिए। और प्राइस ऑफ बाइक की अगर बात चल रही है तो वो इसलिए नहीं आएगा कि वो लॉजिकल नहीं है, हम अदर वे राउंड नहीं जा सकते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई को हम विरुद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। सो यस ब्लिंक भी हुआ है सी, तो हमारा आंसर है 14th का सी, ये हमने लॉजिकली हम पर डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस जो अब यहाँ पर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस थोड़े से हम प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। इफ द सप्लाई ऑफ बॉटल्ड वाटर डिक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम,
द इक्विलिब्रियम डैश एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डैश। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलिए एक एक चीज नोट करते जाते हैं। इन्होंने बोला है सप्लाई के साथ में क्या हो रहा है हमें ये पता करना है, तो बोला है कि डिक्रीजेस, ठीक है। तो सप्लाई तो कम होती है, बराबर है, तो सप्लाई कम हो रही है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, सो यहाँ पर अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट जब आया है तो हमको ये समझ जाना है कि सप्लाई की आप बात कर रहे हैं, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, हमें इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है। इक्विलिब्रियम डैश लिखा हुआ है तो ये थोड़ा ज़्यादा सेंस बनाएगा अगर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि जब सप्लाई डिक्रीज होती है तो आप हमको बताइए कि इक्विलिब्रियम प्राइस के साथ क्या होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के साथ में क्या होगा। ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, दोनों ही डिक्रीज होंगे या दोनों ही इंक्रीज होंगे। सर आपने सारे ऑप्शंस लगता है हमको बोल दिए हैं, यही सारे ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको समझना क्या है, बस हमको समझना है इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। तो समझ लेते हैं इसको, सप्लाई मेरी डिक्रीज हो रही है, बराबर है, तो मेरा कर्व बना दें एक तरीके से। चलो कर्व बना दिया, ये मेरा कर्व है सप्लाई का, बोल दिया है सप्लाई क्या हो रही है डिक्रीज। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इक्विलिब्रियम प्राइस पर खड़ा हूं, ओके, तो इक्विलिब्रियम से जैसे ही मैं हिलूंगा मेरा सप्लाई का अल्टीमेट क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रही है, बराबर है। तो यहां पर मेरी जो क्वांटिटी है सप्लाई की वो डिक्रीज हो रही है, तो मेरा प्राइस भी डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच में, क्योंकि मेरी सप्लाई तो डिक्रीज हो रही है ना, मैं खड़ा था इक्विलिब्रियम पे, तो मेरा क्वांटिटी का क्या होगा और प्राइस का क्या होगा। सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी तो डिक्रीज होनी ही चाहिए, और एट द सेम टाइम जो इफेक्ट आएगा प्राइस पे वो भी क्या आएगा, डिक्रीज होना चाहिए। बट दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है जो मैंने अभी आपको जस्ट कहा, मैंने आपको क्या कहा कि जब मेरी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो मेरा यहाँ पर क्वांटिटी तो डिक्रीज होना बहुत ही नेचुरल बात है, ठीक है। बट क्या मैं इससे अदर वे राउंड जा सकता हूँ उल्टी तरफ और ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरी प्राइस भी डिक्रीज होगी? नहीं हो सकता। सर प्रीवियस क्वेश्चन में आपने बोला है कि लॉ ऑफ सप्लाई ऐसे काम नहीं करता है, इट गोज इनटू ओनली वन डायरेक्शन। हम प्राइस टू क्वांटिटी जाएंगे, क्वांटिटी टू प्राइस नहीं आएंगे। तो सप्लाई डिक्रीज हुई मतलब क्वांटिटी डिक्रीज हुई, क्वांटिटी डिक्रीज हुई इसका मतलब प्राइस डिक्रीज हुई? नो। प्राइस जब कम होती है तो सप्लायर्स उस चीज को बनाना कम करते हैं क्योंकि प्रॉफिट कम होता है, इसलिए हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है, राइट? ये लॉजिक है लॉ ऑफ सप्लाई का। हमसे क्वेश्चन में हमको फाइनल आउटकम दे दिया है, हमको फाइनल आउटकम दिया है कि सप्लाई जो है बॉटल्ड वाटर की वो डिक्रीज हो रही है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस का क्या होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का क्या होगा। वर्ड क्या है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी हमने निकाला था सर, ऐसा पॉइंट जहां पर डिमांड और जहां पर क्वांटिटी सर दोनों इंटरसेक्ट होते हो, राइट? तो सर ऐसा पॉइंट जहां पर जितने प्राइस में कस्टमर खरीदना चाहता है उतने ही प्राइस में जो सेलर है वो भी बेचना चाहता है, और ऐसा पॉइंट है सर जहां पर दोनों फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं, वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया और वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो ये इस तरफ से मेरा ऐसा हो जाएगा कि ये मेरा सप्लाई का ग्राफ था और ये मेरा क्या था, डिमांड का ग्राफ है, डी डी एस एस, मतलब यहां पर जो मेरी क्वांटिटी होगी वो मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और यहां पर जो मेरा प्राइस होगा वो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि क्वांटिटी तो डिक्रीज हो रही है सर, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि मेरी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो मैं इधर से इस तरफ आना चालू कर दूंगा। जैसे ही मैं इस तरफ आना चालू करूंगा दोस्तों, आपको क्या लगता है मेरे प्राइस के साथ में क्या होगा? मतलब कि अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम डिमांड की बात कर रहा हूं, अब प्राइस वाले जोन में मैं आ चुका हूं, बराबर है। तो इसी चीज को मैं ग्राफ को वापस से रीड्रॉ करता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी तक हमने यहां पर देखा किस तरीके से कि लेट्स से ये मेरा ग्राफ है, तो अभी तक हमने देखा लेट्स से ये मेरा ग्राफ है, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, ओके। सो यहां पर मैं क्वांटिटी को प्लॉट करता हूं, बिल्कुल सही, यहां पर मैं प्राइस को प्लॉट करता हूं। नाउ दिस इज माई डिमांड कर्व एंड दिस इज माई सप्लाई कर्व,
ओके सो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ये मेरा क्या है, ये मेरा है इक्विलिब्रियम. ओके सो दिस इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस. इन्होंने कहा है कि हमारी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है, बराबर है. सप्लाई जब मेरी डिक्रीज होती है तो मेरा जो कर्व है वो कहाँ शिफ्ट होता है, मेरा कर्व शिफ्ट होता है टूवर्ड्स लेफ्ट, बराबर है. सो मैं अपना नया कर्व बनाता हूँ. लेट्स से मेरा कर्व बना है ये शिफ्ट होने के बाद में, ठीक है. सो दिस इज माय एस जीरो एंड दिस इज माय एस वन, नया कर्व मतलब सप्लाई डिक्रीज होने के बाद में. दिस इज माय डिमांड कर्व जो चल रहा है. ओके अब मुझसे पूछा है कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ रहा है, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है मेरे पास में, ये है. ओके तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको. तो ये मेरा नया ई क्यू वन हो गया एंड दिस इज माय नया ई पी वन, ठीक है. तो अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि मेरी क्वांटिटी तो कम हो गई है, मतलब मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम होनी चाहिए, बराबर है. तो डिक्रीज और डिक्रीज ये दोनों आंसर हो सकते हैं. बट क्वेश्चन ये है कि मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस के साथ में क्या हो रहा है. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है, बराबर है. सो प्राइस इंक्रीज होना चाहिए. मीन्स इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट मतलब कि पूरा फ्लो मैं आपको बताता हूँ. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप डिमांड कर्व बनाइए डाउनवर्ड स्लोपिंग, आप सप्लाई कर्व बनाइए अपवर्ड स्लोपिंग, आप दोनों के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए, ठीक है. अब इसके बाद में आप फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स कौन से हैं. ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को हिट कर रहा है कि सप्लाई को हिट कर रहा है. यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला हमको, डायरेक्टली बोल दिया कि सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो हमने सप्लाई कर्व को ही हिलाया. बट अगर ऐसे फैक्टर्स है जो कस्टमर्स को इंकरेज कर रहे हैं बाय करने के लिए या फिर नहीं बाय करने के लिए, तो डिमांड को हिट करेगा. और ऐसे फैक्टर्स है जो सप्लायर्स को हिट कर रहे हैं सेल करने के लिए या सेल नहीं करने के लिए, तो सप्लाई कर्व को हिट करेगा, ठीक है. ये फैक्टर को देखने के बाद में फिफ्थ स्टेप में आप डिसाइड कर लीजिए कि वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो शिफ्ट कैसे होना है. बस उसके बाद में आप नया इक्विलिब्रियम पॉइंट को प्लॉट कीजिए और उससे आपको समझ में आएगा कि दोनों में चेंज क्या आ रहा है. उसी हिसाब से हमने यहाँ पर करा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप दो तीन एग्जांपल्स खुद कर सकते हैं तो वो सॉल्व हो जाएगा. सो आई थिंक हमारा आंसर ए ही होना चाहिए इतना स्टडी करने के बाद में. लेट्स सी क्या ब्लिंक होता है. यस 15th का आंसर हो गया ए और हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So, question number 16. A decrease in the demand for cameras, other things remaining the same. क्या बोला इन्होंने? A decrease in the demand for cameras, other things remaining the same. Demand का question आया बीच में दोस्तों. क्यों आया है? आइए देखते हैं. क्योंकि answers कुछ अलग हो सकते हैं. इन्होंने हमसे बोला है कि demand जो है बच्चों वो कम हो रही है. बराबर है. तो इसका impact क्या आएगा? Increase in the number of cameras bought. Decrease the price but increase the number of cameras bought. Increase the price of cameras or decrease the price and decrease in the number of cameras bought. मतलब question normal demand का है. अगर मेरी demand कम हो रही है इसका मतलब मेरा price कम हो रहा है, नहीं मेरा price increase हो रहा है क्योंकि inverse relationship है. Question इसलिए डाला है, concept आपको clear हो. Supply कर रहे हो, demand मत भूलिएगा. So demand decrease हो रही है तो मेरा price increase होगा, और demand कम हो रही है मतलब मेरी quantity कम हो रही है, बराबर ना. तो पहला option क्या बोल रहा है, increase the number of cameras bought. क्या demand का कम होना मतलब उसके ज़्यादा कैमरा बिक रहे, ऐसा है क्या? Stupid. B, increase नहीं, decrease the price. Price decrease हो सकती है क्या? प्राइस तो इंक्रीज हो रही है ना मेरी जब डिमांड कम होती है. आउट. सिर्फ मेरी प्राइस इंक्रीज हो रही है, सिर्फ मेरी प्राइस इंक्रीज हो रही है क्या? जब मेरी क्वांटिटी कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, तो प्राइस इंक्रीज हो रही है. बात तो सही है. डी ऑप्शन देख लेते हैं. डिक्रीज द प्राइस, प्राइस डिक्रीज हो सकती है क्या? नो. सो हमारा आंसर तो सी होना चाहिए इस लॉजिक के साथ में. बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको बताता हूं. तो जब मार्केट में डिमांड कम हो रही है, बराबर है. सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा ये वन वे ट्रैफिक चलता है यहाँ पर. मींस वी मूव फ्रॉम प्राइस टूवर्ड्स डिमांड, वी कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स. कि डिमांड कम हो रही है तो हम प्राइस को भी इंक्रीज करें, ऐसा नहीं हो सकता है. बराबर है. एंड सेम गोज फॉर सप्लाई ऑल्सो. जब भी आपसे क्वेश्चन में डिमांड या सप्लाई के बारे में क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या हो रहा है उसके साथ में, तो आप बैकवर्ड आके प्राइस को जज मत कीजिएगा. वो आंसर आपका सही होगा ही नहीं.
तो प्राइस इंक्रीज होगी, आप ये मत बोलिए नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता है? आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है तो मतलब उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, ये बात तो सही है। मार्केट में वो सेलर क्या करेगा, सेलर ये करेगा कि जब उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड कम हो रही है तो वो उसके प्राइसेस को और कम करेगा और ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा, बराबर है? तो यही होगा, इसलिए हमारा आंसर जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें इससे ज़्यादा डीप आप जा नहीं सकते हैं। लेट्स सी, यस डी इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ गुड ग्रोइंग कंडीशंस इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड हॉट वेदर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर स्ट्रॉबेरीज द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉबेरीज बॉट, क्या पूछा है हमसे? बहुत सारी चीजें, देखिए अगर अच्छी कंडीशंस है तो अच्छी कंडीशन क्या करती है, स्ट्रॉबेरीज की सप्लाई को बढ़ाती है। हॉट वेदर क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, हॉट वेदर इंक्रीज द डिमांड फॉर स्ट्रॉबेरीज, तो क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉबेरीज बॉट के साथ में क्या हो रहा है? ये चार ऑप्शंस आपके साथ में है, हम एक एक करके पढ़ते हैं फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तीन चीजें बोल रहा है। देखिए कि जब अच्छी कंडीशंस होती है, ठीक है, गुड वेदर कंडीशंस जब है तो मेरी जो सप्लाई है वो इंक्रीज होती है स्ट्रॉबेरीज की, ओके। जब हॉट वेदर कंडीशंस होती है तो क्या होता है, मेरी जो डिमांड है स्ट्रॉबेरीज की वो इंक्रीज होती है, ओके। मतलब कि ग्रोइंग कंडीशंस के लिए जब मुझे सप्लाई की तरफ से मैं सोचूंगा तो सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए उस चीज़ की, तो मुझे कंडीशंस हेल्प कर रही है, बराबर है। पर वो चीज़ बिकती कब है, जब गर्मी आती है तो स्ट्रॉबेरीज खाने का मन होता है, उस टाइम पर डिमांड बढ़ती है, सप्लाई की बात नहीं हो रही है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें, इसको समझिएगा। ये प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ होती है कि वो मैन्युफैक्चर तो किसी और सीज़न में होता है और उसकी डिमांड किसी और सीज़न में आती है। सो जब स्ट्रॉबेरीज उगाना हो तो अच्छी गुड कंडीशंस चाहिए, तब उसकी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, बराबर है। तो मैन्युफैक्चर कर लेगा और सप्लायर उसको मार्केट में अवेलेबल करवा देगा, उसकी डिमांड कब आएगी, जब गर्मी बढ़ेगी, ओके। तो ये बात हमको समझ में आ गई। द क्वांटिटीज ऑफ स्ट्रॉबेरीज बॉट, अब ये पूछ रहे हैं कि जो क्वांटिटी होगी स्ट्रॉबेरी को मार्केट में जब खरीदा जा रहा है तो उसकी खरीदने वाली क्वांटिटी का क्या कहना है आपका, तो हम कैसे उसको पता करेंगे? देखिए हमें क्वांटिटी पूछा है तो हम क्वांटिटी किसके हिसाब से डिसाइड होती है, क्वांटिटी डिसाइड होगी डिमांड इंक्रीज होती है, बराबर है। तो डिमांड इंक्रीज होती है मतलब कि खरीदने वाले, बॉट पूछा है ना हमसे, बॉट, यहाँ पर सोल्ड की बात नहीं आई है, बॉट की बात आई है, तो हम किस पे फोकस करेंगे, डिमांड पे, ठीक है। सो डिमांड इंक्रीज होती है मतलब कि मेरी क्वांटिटीज बॉट भी इंक्रीज होती है, बराबर है। बट साथ में एट द सेम टाइम प्राइस का क्या होगा, अब देखिए प्राइस का हम कैसे बोल सकते हैं, अगर सप्लायर जब सप्लाई कर रहा है और उसकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तब प्राइस ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। बट जिस कंडीशन में, जिस वेदर में उसकी डिमांड आ रही है उस टाइम पे प्राइस अलग हो सकती है ना, मतलब कि उस टाइम पर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस कम होनी चाहिए, इस टाइम पे प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हम प्राइस के बारे में बोल नहीं पाएंगे कि प्राइस का क्या होगा, बट जो उसकी क्वांटिटी है वो तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अब देखिए ऑप्शंस, पहला ऑप्शन बोल रहा है That strawberries bought will increase and the price might rise, fall or not change also, जो हमने बात करी अभी। Does not change, हो ही नहीं सकता, does not change, हो ही नहीं सकता, कुछ तो change होगा ना bought में। Increases, yes, and the price rises, आप कैसे बोल सकते हैं price rises, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उस season में जब हॉट वेदर कंडीशन है, जब डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस कम होनी चाहिए, सप्लायर्स ने पहले बना दिया है तो सप्लाई उसने जब करवाया था प्राइसेस ज़्यादा होगी, बट अभी के मार्केट कंडीशंस अलग है तो कुछ भी हो सकता है। उस हिसाब से हमारा जो आंसर है बच्चों वो होना चाहिए ए। लेट्स सी हमारा ए आंसर है क्या, यस ए इज़ आर आंसर। इस तरीके से आपको सोचना होगा, हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको आ जाए, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, यही थॉट प्रोसेस रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड में सप्लाई का क्या होता है, कैन बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन बी इंक्रीज्ड, नन ऑफ द अबव। शॉर्ट पीरियड में आपको सप्लाई फटाफट चेंज करनी है तो हो सकती है, लॉन्ग पीरियड में नहीं होगी या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगी। शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड और नन ऑफ द अबव, आंसर क्या है, पहले बताया मैंने आपको कैन नॉट बी चेंज्ड, ऐसा क्यों बोला गया है,
क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में सप्लाई अगर आपको चेंज करनी है तो आपके लिए बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम रहता है, आप नहीं कर सकते हैं, बट अगर उसको लॉन्ग टर्म का आप इफेक्ट देंगे तो वो ईजिली हो जाएगा। तो कैन बी इंक्रीज नन ऑफ द अबाव कोई लॉजिकल आंसर्स थे नहीं, कैन बी चेंज एंड कैन नॉट बी चेंज, तो शॉर्ट टर्म में कैन नॉट बी चेंज। ये था क्वेश्चन नंबर 18, इजी सा हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। व्हेन सप्लाई कर्व्स मूव्स टुवर्ड द लेफ्ट, ओके देख लेते हैं। ये है हमारा सप्लाई, बराबर है, ये जा रहा है लेफ्ट की तरफ, ओके। इसका मतलब क्या हो रहा है? स्मॉलर सप्लाई एट अ गिवन प्राइस, लार्जर सप्लाई एट अ गिवन प्राइस, कॉन्स्टेंट सप्लाई एट अ लोअर प्राइस, नन ऑफ द अबव। इसको हटाइए, कॉन्स्टेंट सप्लाई एट अ लोअर प्राइस, कॉन्स्टेंट सप्लाई तो हो ही नहीं ना, सप्लाई चेंज हो रहा है ऑब्वियसली हमको दिख रहा है, सप्लाई कम ही हो रहा है। अगर मैं सेम प्राइस पकड़ता हूँ, लेट से मेरा प्राइस क्या था, मेरा प्राइस है 5, इस पे मुझे सप्लाई अभी कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, और पहले कितना मिलता था, इतना मिलता था। तो पहले मेरा क्वांटिटी 15 था और 10 था, तो ऑब्वियसली स्मॉलर सप्लाई एट अ गिवन प्राइस मेरा आंसर होना चाहिए, विच इज़ ए एंड करेक्ट। आप हमेशा ग्राफ्स बनाएंगे, आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगी और आपको लॉजिक से समझ में आएगा। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। When supply curve moves to right, it means supply. अभी उल्टा हो गया, देखिए मतलब अब larger supply होनी चाहिए, supply increase हो रही है, decrease हो रही है, unaffected constant है, none of the above है। Obviously supply curve जब right में shift हो रहा है तो supply मेरी increase हो रही है ना, yes। तो ये नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, इजी सी क्वेश्चन से मैं आपको स्पीड से करवा रहा हूँ। 21, the elasticity of supply is defined as the, क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन बताइए सर। रिस्पॉन्सिवनेस वाला वर्ड याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन प्राइस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड विदाउट चेंज इन प्राइस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन प्राइस, एंड रिस्पॉन्सिव ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड विदाउट चेंज इन प्राइस। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो भी सकता है, जिसको ऑब्वियस लग रहा है वो बोलेगा कि सर बहुत ईजी क्वेश्चन है। दोस्तों डिमांडेड वर्ड की कोई ज़रूरत है क्या यहाँ पर, आपसे क्या पूछा गया है, तो आप इन दोनों को तो बाहर कर दीजिए। अब चैलेंज क्या बचा आपके पास में, फर्स्ट एंड सेकेंड, विदाउट चेंज इन प्राइस कुछ भी हो तो वो आपका इलास्टिसिटी कैसे हो सकती है, प्राइस कितना चेंज हो रहा है उसके रिलेशन में क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है, यही तो हमारा आंसर होना चाहिए और वही तो इलास्टिसिटी है दोस्तों। ए ब्लिंक होगा और वही लॉजिकल आंसर है, बस ध्यान से पढ़ना होगा, बिल्कुल सिली मिस्टेक नहीं कर सकते। डिमांडेड वर्ड आ गया बच्चों, तो डिमांडेड को तो आप बाहर निकाल देंगे ना ऑब्वियसली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड बाय। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी नहीं चाहता हूँ, इतना इजी है। सप्लाई की इलास्टिसिटी कैसे निकलती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ना, इसमें इतना सोचना क्या है, हमारा आंसर सी हो जाएगा, वही ब्लिंक हो रहा है, बाकी सब आंसर गलत है। सो दोस्तों इस तरीके से हमने अभी फिर से इस पार्ट सेकंड वीडियो के अंदर कुछ हमने 11 से स्टार्ट किया था, 12 से स्टार्ट किया था और हमने अभी उसको यहाँ पर ख़त्म किया 22 पे। इस तरीके 10-11 क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी कवर कर लिए हैं, पार्ट सेकंड वीडियो हमारा यहाँ पर ही ख़त्म होता है दोस्तों। अब लास्ट जो वीडियो है पार्ट थर्ड वीडियो, उसमें हम बचे हुए क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप इनको स्पीड से देखकर फटाफट भी आप रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगला वीडियो देखना मत भूलिए। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।